हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी 5 के अंदर हमारे को क्या देखना है, पहले मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को परफॉर्म करके बताता हूँ। एक्चुअली जो एक्टिविटी 5 है, हमारी एक टॉपिक दे रखा है चैप्टर 1 के अंदर, उसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके ऊपर बेस्ड रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है। अब डिकम्पोजिशन करवाने के भी हमारे पास 3 तरीके हो सकते हैं। हो सकता है हम हीट दे के क्या करवाएं, डिकम्पोजिशन करवाएं, तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन को थर्मल डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या करवाएं, डिकम्पोजिशन करवाएं, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस बोल देते हैं। उसी तरीके से हो सकता है हम सनलाइट की हेल्प से या लाइट की हेल्प से क्या करवाएं, डिकम्पोजिशन करवाएं, तो उसको हम फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस बोल देते हैं। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का, यानी कि यहाँ हम हीट देके क्या करेंगे, एक सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके लिए हमने लिया है FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का एक क्रिस्टल होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। इसको जब हम हीट करेंगे तो इससे 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक बनेगा फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड क्या है, व्हाइट कलर का पाउडर बनेगा, यानी कि इसका ग्रीन कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में दो तरीके की गैसेज निकलेंगी, एक सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन है इसलिए डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, 3 ऑक्सीजन है इसलिए ट्राइऑक्साइड बोल रहे हैं। तो ये दोनों सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेज है। यही हम एक चीज़ और इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है कि किस टाइप के नेचर की होती है, चैप्टर 2 से रिलेट करके कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सल्फर डाई और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है, ये इसका नेचर एसिडिक होता है। इसका मतलब ये क्या करेंगी, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करती है, यानी कि ब्लू लिटमस के कलर को बदल के रेड कर देगी। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये हीट के द्वारा होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोला जाता है। चलिए अब हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। इसके लिए मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ले लिए, इसको अच्छे से टोंग से पकड़ लिया है। ये हमारा फेरस सल्फेट है और इसके बाद में मैंने एक बर्नर ले लिया, जिस बर्नर को मैं जला लेता हूँ। हमारा बर्नर जल रहा है, अब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और एक चीज़ सावधानी आप लोगों को रखनी है कि इसको हमेशा माउथ के अदर साइड इसका वो रखना है टेस्ट ट्यूब का। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसको टेम्परेचर मिल रहा है, एक चीज़ और ध्यान रखना, आप चैप्टर 2 के अंदर पढ़ोगे एक टॉपिक आएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, जब कभी भी इस टाइप के क्रिस्टल बनते हैं तो कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर स्टोर हो जाते हैं, मतलब अंदर ट्रैप हो जाते हैं, और वो मॉलिक्यूल जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा तो वो वापस बाहर निकलेंगे। इसको आप अभी यहाँ नोटिस करोगे और आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा कि जैसे जैसे मैं इसको गर्म कर रहा हूँ तो इसकी जो ये बाउंड्री है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, पानी की ड्रॉपलेट्स आ गई है। अब ये तो बिल्कुल ड्राई था, इसके बावजूद ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, एक्चुअली इसके अंदर क्या थी, पानी की ड्रॉपलेट्स थी, और ये पानी की ड्रॉपलेट्स जैसे ही मैंने हीट किया ये बाहर निकल के आ गई। और धीरे धीरे अब इसका कलर क्या होगा, वाइट होना शुरू हो गया है नीचे से, जो कि हमारा फेरिक ऑक्साइड बन के इधर की तरफ से देखोगे तो ये वाइट कलर धीरे धीरे होने लग गया है और ये हमारा फेरिक ऑक्साइड बनने लग गया। साथ में इसमें अभी कौन सी गैस निकल रही होगी, सल्फर डाई और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस निकल रही होगी, इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं हम लोग। तो इसके माउथ के ऊपर मैंने क्या किया है, एक नीला लिटमस पेपर लेके आया हूँ, ड्राई स्टेट में था पहले ये, मैंने इसको गीला कर लिया है। गीला इसलिए किया है क्योंकि जो लिटमस होता है वो क्या करता है, या कोई भी एसिडिक या जो बेसिक नेचर होता है वो हमेशा ड्राई स्टेट में कभी भी शो नहीं होगा, वेट स्टेट के अंदर ही शो होगा। यानी कि कभी भी हम लोग गैस के द्वारा ये नहीं पता कर सकते कि कौन एसिडिक है कौन बेस है। तो इसके लिए मुझे लिटमस पेपर को गीला करना पड़ा। जैसा कि आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि पहले बिल्कुल क्या था, ग्रीन था, अब धीरे 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 क्या होने लग गया, थोड़ा थोड़ा ये लाल होने लग गया। इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ही ये साइड में से लाल हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा सा और देखता हूँ इसको। अब शायद आप लोगों को ये थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो रहा होगा कि ये क्या है, हमारा लिटमस पेपर थोड़ा थोड़ा लाल होने लग गया, और लाल होने का मतलब है कि ब्लू कलर अगर लाल हो जाए, बहुत कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, ध्यान रखना ये थोड़ा सा बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है,
ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो रहा है, और ब्लू लिटमस अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो समझ जाओ कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से इससे पहले की एक्टिविटीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आगे की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हो गए या फिर फिजिक्स के चैप्टर्स हो गए, उन सभी की एक्टिविटीज़ को भी मैं वन बाई वन यहाँ पर परफॉर्म करके बता के आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ। तो सारी एक्टिविटीज़ को आप देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।